रांची से करीब 12 किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड के महुआ टोली की नया टोली की 13 साल की अमृता और उसके भाई अभिजीत के सर पर ना पिता का साया है ना माँ की ममता का छांव। माँ 3-4 साल पहले दुनिया छोड़ गई तो मजदूरी कर दो भाई बहनों का पेट भरने वाला पिता भोला 30 मई को कोरोना का शिकार होकर दुनिया को अलविदा कह गया। वो अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए दूसरे किसी घर चौका बर्तन करने लगी। पापा माँ तो पहले एक्सपायर की थी 2-3 साल पहले, और फिर 30 मई को पापा डेट किए, कोरोना हो गया था उनको, तो अभी हम लोग अकेले हैं। कैसे चलता है घर, तुम भी छोटी हो, बाबू भाभी तुम्हारा बहुत बड़ा नहीं है। अभी जैसे तैसे चल रहा है, मामू थोड़ा देर देख रहे हैं हम लोग को, और आस पड़ोस का आदमी लोग मदद कर रहे हैं। तो पढ़ा रही करते थे पहले? हाँ, कहाँ? भदवा स्कूल हंसराज। किस क्लास में? अभी 10 में है। 10 में है। तो क्या पढ़ना चाहती हो आगे? हाँ। तो इस परिस्थिति में कैसे पढ़ पाओगी जब पैसा नहीं है, घर में स्कूल देखने वाला नहीं है? क्या है सरकार से मदद चाहिए। कभी राज मिस्त्री का काम करने वाले अमृता के नाना फ्रांसिस नाग को उम्र के साथ बेटी दामाद की मौत ने अंदर से तोड़ कर रख दिया है। कहते हैं कि कोशिश तो करता हूँ कि बेटी दामाद के नहीं रहने पर वो नाती नतनी के लिए कुछ करें, पर शरीर साथ नहीं देता, और अफसोस कि सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली। मैं तो नहीं जानता हूँ कि नाती-पोते की सेवा करना मेरा फर्ज है, और मैं वो काम करने नहीं सकता हूँ तो बच्चों को कैसे मैं देखभाल करूँगा। और बच्चे लोग तो नादान हो गए हैं, और मेरा आगे पीछे, मैं जैसे बुढ़ापा में हूँ, मैं भी कुछ काम करने नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार के थ्रू से इन लोगों को कुछ सहारा मिल जाए। अभी तक कोई सहारा मिला सरकार को? नहीं। महुआ टोली के नया टोली में किराया के मकान में भोला कश्यप रहता था। उसकी मौत के बाद मकान मालिक प्रेमिका कहती हैं कि जब भोला का इंतकाल हुआ तब जितना बन पड़ा उतना मदद की। अपना खुशी से अपना कोई चावल दिया, कोई लकड़ी दिया, कोई का दिया, उसी से हम लोग उसका गुजार दिया। और हम लोग क्या करेंगे है? यानी जितना आप लोग से बन पड़ा उतना किया? हाँ, हम लोग का जो आटे जूरे मिला, साग चाहे मार आलू चाहे कुछ भी, तो हम लोग तो उसका परिवार को तो हम लोग गुजराए ना। सरकार तो सब कुछ नहीं मिला ना, सरकार कहाँ देगा 2 महीना में। झारखंड सरकार राज्य में कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की डेटाबेस तैयार करा रही है। संभव है कि उसमें अभी वक्त लगे, तब तक जरूरत है कि अमृता जैसे अनाथ बच्चों तक तत्काल सरकारी मदद पहुंचे, ताकि कोई बच्चा किताब छोड़कर कोई काम करने के लिए मजबूर ना हो। उपेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, रांची।